Thank स गुड मॉर्निंग सुबह का टाइम और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है माता पिता यानी हमारी माँ जो हमें जन्म देती है और पिता जो हमारे घर को चलाते हैं तो बस उसी से आज मैं डिस्कस करूँगी मतलब अपने माता पिता और अपनी मम्मी के बारे में और अपने बारे में तो यहाँ पर सुबह सुबह हमने बना दिया है दलिया और दलिया में डाला है जो मेरी मम्मी डाला डाला करती थी चने की दाल चावल और दलिया दलिया भुना हुआ है भून ले दलिया को और अब तो अच्छा वाला दलिया ही लाना चाहिए पैकेट वाला आता है तो उसे ले लें और नहीं तो आप जो है बढ़िया वाले चावल वो लेके कर गेहूँ उसे अपने जो है दलवा लें तो उसे भी भून के रख सकते हैं तो बस मेरी मम्मी इसी तरह डेली हमारे दलिया बनी कर रहे और हमारे पिताजी कभी कभी सुबह सुबह ही पाँच बजे साढ़े पाँच छः बजे निकल जाओ दलिया तो दूध में डाल के पी के या छाय में डाल के पी ले हंडिया भर के हमारे छाए हो गई क्योंकि पाँच पाँच भैंस ही हमारे तो हमारी मम्मी सुबह सुबह मेरे पिताजी और मम्मी लग जावे तो देखिए सुबह सुबह हमारे कितने सारे काम हो जाते हैं इसी इसी लिए मैं अपनी मम्मी को और पिताजी को याद करती हूँ तो फ्रेंड्स हमें सुबह सुबह हमारी मम्मी उठाया करती थी क्योंकि हमें स्कूल भी जाना होता था स्कूल जावे हमारा जो आठवीं तक के हमारा स्कूल था और बहुत बड़ा स्कूल उसमें क्योंकि पहले दसवीं बारहवीं और आठवीं तक के स्कूल रह गई आपको मैं आज बता रही वीडियो में तो हमारा आठवीं तक का स्कूल प्राइमरी स्कूल बोले रहे हैं और बड़ा स्कूल था पांचवी तक तो हो, एक साइड में और पांचवी का था एक मतलब छठी सातवीं और आठवीं वो था एक साइड में और उसमें हमारे गांव का एक बड़ा मंदिर है बहुत सुंदर मंदिर है मैं आपको जब भी कभी जाऊंगी वहां पे तो ज़रूर वीडियो में दिखाऊंगी यानी हमारा आठवीं तक का तो स्कूल था और बाकी दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं वो हमारा थोड़ा सा आगे था स्कूल तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो आगे जाके अपनी क्लास अटेंड कर सकता है यहाँ पर फ्रेंड्स मिस्त्री लग रहे थे तो ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है वैसे मैंने अपलोड कर दी थी लेकिन डालना भूल गई थी तो वो अब डालूंगी आपके पास मतलब अब आएगी यहाँ पर मिस्त्रियों को मैंने अमरूद चखाए थे हमारे अमरूद लग रहे थे और मिस्त्रियों ने जो काम कराया ना पहले वाले ने तो ये भी बोर हो रहे क्या ये वाला क्योंकि कहते हैं ना गर्मी तो हो ही रही है इनके लिए हमने पंखा भी लगा दिया और इसके इनके लिए मैंने छाये भी दे दी तो फ्रेंड्स मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आदत है जैसे हमारा अमरूद लग रहे तो ये मिस्त्री हमारा काम कर रहे तो इन्हें चखा दूँ एक एक अमरूद मैंने दोनों उनको दे दिया क्योंकि मेरा मन नहीं मानता अलग मेरे अंदर ना कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मैंने क्यों नहीं दिए इन्हें खाने के लिए क्यों नहीं दिए देखो ये अपना काम कर रहे लेकिन मेरी जो आदत है ना मेरी मम्मी जैसी आदत है मेरी मम्मी हमेशा कोई बाहर का आवे और कोई चूड़ी वाली आवे पहने को आवे चूड़ी हमारे वहाँ पर तो वो और हमारे यहाँ पर किसी के यहाँ पर मिस्त्री लग रहे हो तो मेरी मम्मी हमारे घर छाये रखी रह तो डिब्बी में भर के छाय दे दे वही बहुत में भर के छाए दे देवी अपनी जो एक्स्ट्रा साड़ी होती है ना जो हम नहीं पहनते वो मिस्त्री लेबर को दे दे, दे वही, साड़ी जो आ, औरत जो रह गई तो मम्मी आठ आठ नौ नौ साड़ी उन्हें दे दे, दे वही। तो कितना मतलब एक आदत होती है ना अपनी लेन देन देने की तो हम अपनी मम्मी से सीखें ये सब और मेरी मम्मी की इतनी अच्छी आदत थी और एक बात और फ्रेंड्स जो बेटियां होती हैं वो अपनी एक पर्सनल बातें भी अपनी मम्मी से ही शेयर करती है पिताजी से शेयर नहीं कर पाती क्योंकि जेंट्स की थोड़ा सा होता है ना तो मम्मी से कंफर्टेबल ज़्यादा रहती हैं बेटियाँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मेरे पिलर दिखा रही है ना ये उस वाले मिस्त्री ने एकदम ख़राब और टेढ़ा कर दिया था पिछली वीडियो में मैं आपको बता नहीं पाई थी यहाँ पर ढेर सारे अमरूद लगे हुए वो हमने तोड़ लिए हैं यहाँ पर खाएंगे नमक लगा के और ये साइड के जो पिलर है ना तीन पिलर उन्होंने खराब कर दिए मुझे दोबारा बनवाने पड़े तो हमारा एक जो होता है ना क्या कहते हैं उसे तो फ्रेंड्स जो रिक्शा होता है उसमें पूरा भर जाएगा इतना मसाला खराब हो गया था हमारा तो कितना नुकसान होगा इधर तनिसा ने झाड़ू लगा दिया दे क्योंकि डेली रूटीन में सफाई भी करनी है गंदगी इतनी फैल गई थी हमने सारे अपने सोफा साफ करे पूरी घर की क्लीनिंग डेली दोनों टाइम करनी पड़ती थी क्योंकि मिस्त्री बेशक लग रहे हैं लेकिन सफाई कंटिन्यू चलती रहती है ना तो गंदगी कम होती है हम सोचेंगे कि मिस्त्री का काम खत्म हो जाए सारा तभी अपनी झाड़ू लगाए लेकिन नहीं रोज़ लगानी चाहिए रोज़ अपने गलगल गल जो सामान है उसे साफ़ करते रहो इधर इन मिस्त्रियों ने भी जो सीमेंट बिखैर रखा ना अगले दिन इन्होंने काम में ना लिया कहिए खराब होगा लेकिन वो ख़राब ना होता है साथ के साथ उसे अगर कहीं और लगा के इस्तेमाल कर दोगे ना तो आधा घंटा अगर लेट हो जाते तो कोई दिक्कत भी नहीं है एक्स्ट्रा पैसा ले लेते पर उन्होंने एक एक कट्टा सीमेंट उन्होंने भी बचा के छोड़ा फिर मैंने क्या करा उसे साइड में रख के उसमें कट्टे में भर के रख दिया कि इसे बाद में देखेंगे क्योंकि हम भी थोड़ा जैसे टूट फूट होती है कहीं पे तो वहाँ पे यूज़ कर लेंगे क्योंकि देखो मसाला जो होता है ना तो वो फुट के हिसाब से आता है यहाँ पर मैं कोको के लिए शॉपिंग करके लाई कुछ मैं अपने घर का सामान लाई थी तो ये कोको के लिए लाई थी खेलने के लिए देखिए तनिसा ने नाक में सेट कर दिया ये एक तरह की चूड़ी सी है ये एक बड़ी वाली थी उनके पास और मैं लाई थी छोटी वाली दस रुपये की तो फ्रेंड्स ये स्प्रिंग है और ऐसे हम ना पहले चूड़ी पहने के प्लास्टिक की चूड़ियाँ ना कवर करके ऐसे पेच सी टाइप में बड़ी अच्छी लगी कर ये चूड़ियाँ रंग बिरंगी सी तो मुझे बहुत शौक है चूड़ी इनका हमेशा मम्मी मुझे चूड़ी वाली आवे हमारे यहाँ टोकरा लेके और उसमें मैं पहने के तो वे अम्मा कह देवे कि तेरे हाथ बहुत बड़े बेटी तेरे हाथ की चूड़ी मतलब तेरे हाथ में ज़्यादा चूड़ी मार ले नुकसान हो जा तो मैंने कह भी उनको कि अम्मा अब जब मेरे हाथ में ये जो साइड में गांठ होती है तो मेरे हाथ थोड़े चौड़े होने की वजह से तो मैं कह रही हम मक हाँ चूड़ी इतनी मतलब टाइट आ रही है तुम तो पहना दो ना मुझे लेकिन ना बेटी मैं ना पहरा हूँ तो एक काम कर एक दर्जन चूड़ी ले लें और खुद ही पहन लीजिए तो मैं तेल लगा के पहने के रही चूड़ी अपनी अब देखो मेरे हाथ वैसे ज़्यादा बड़े ना हैं लेकिन यहाँ पर आ छोटे हो गए क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी टेंशन इतने सारे काम जिन्होंने मुझे एकदम पतला दुबला बना दिया अब तो मैं अपनी मर्जी से रहती हूँ इसीलिए मोटी भी हो गई हूँ और अपने जो है दूध काढ़ा भैंस राखी सिलाई का काम करा तो अपनी मर्जी से काम भी करती हूँ खाती भी हूँ और सबको खिलाती भी हूँ ऐसा नहीं है मेरा काम जैसे मिस्त्री बिगाड़ो या बाहर के बिगाड़ दो या अपने घर की फैमिली वाले बिगाड़ दो लेकिन मेरा रूटीन ये फॉलो मैं ज़रूर करती हूँ कि जो मुझे काम करना है खाना खिलाना है तो वो मेरे रूटीन में है मैं ये मतलब नहीं निकालती कि भाई जो वो मेरे साथ कर रहे हैं मैं भी उनके साथ करूँ मेरा जो फ़र्ज है मेरी मम्मी ने जो सिखाया है उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ और आगे भी करूँगी क्योंकि मुझे जो मेरे माता पिता ने सिखाया मेरी मम्मी पिताजी इनके भी किसी चीज़ की कमी नहीं हम पांच बहन भाई थे और हैं अभी और मेरी मम्मी नहीं है बस याद करने वाली और अब तो मेरी मम्मी वीडियो में भी आती देखो आपको दिखती The next day. तो फ्रेंड्स ये है अगले दिन की वीडियो गुड मॉर्निंग सभी को और सुबह की मॉर्निंग के साथ यहाँ पर हम डेली बाहर सोते हैं और देखिए गर्मी इतनी ज्यादा है तो अंदर से आ गए बाहर मेरा मन नहीं करता था कि मैं बाहर आऊँ तरीसा मुझसे रोज कह कि मम्मी बाहर सोएंगे और हेलो बोल रही हूँ आपसे और डेली कह भी मुझसे मम्मी आ जाओ बाहर सोंगे बाहर बड़ा ठंडा मौसम है लेकिन मुझे ना मच्छरन की वजह से मन नहीं करता इधर देखिए एक बिजार और एक गाय सामने आपके खड़े होंगे मैंने बाहर के गेट खोल रखे हैं सब्जी ले ली थी मैंने यहाँ पे और ये सब्ज़ी वाला डेली इसी तरह दादरी से आते हैं इधर और हरी हरी सब्जियाँ एकदम ताज़ी ताज़ी और हमारे यहाँ पर माली भी रहते हैं जो खेत है ना हमारे पे सब ने दे रखे मालियों को और ये जो आप पिलर देख रहे हैं ना ये बिल्कुल उन्होंने टेढ़ा कर दिया खराब कर दिया ये कोने वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला भी और वो वाला मैंने तोड़ के तोड़वा के सही करवाया बाकी इन्होंने क्या करा भैया ने कि ये कह रहे कि हम ऐसे ही इसे सही कर देंगे इन्होंने सारा मसाला लगाया लगा के मसाला फिर उस उन्हें हटाना पड़ा फिर मैंने कही कि बता अब अब देखो तुम भी वही गलती कर रहे हो जो पहले वाले करके गए तो फ्रेंड्स ये है जेली पाउडर इसमें तीन कप पानी डालना पड़ता है और ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ना इसे सारे को उबले हुए पानी में मिक्स कर लो और उसके बाद एक बर्तन में रख के इसे जमाने के लिए छोड़ दो तो इसे आधे घंटे तक रखना पड़ता है एक घंटे तक तो उसके बाद ये जो है जम जाती है और इतनी बढ़िया जेली बनी हमने सब ने खाई और इसी तरह हमने सोचा चलिए बहुत दिन हो गए जेली नहीं खाई तो चलिए जेली अपने घर पे ही बनाते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं तो आप देखिए कैसे बना रहे हैं यहाँ पर जो है गर्म पानी ले लिया है और तीन कप पानी ले लिया है और उसके बाद इस पाउडर को इसमें डालेंगे तो बस इसी तरह मिस्त्री भी काम कर रहे हैं उधर उधर हमारा जो है अपना घर का काम भी रूटीन चल ही रहा है फ्रेंड्स तो बस इसी तरह आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो फ्रेंड्स देखो कितनी गर्मी हो रही है मैं आवाज़ दे रही हूँ वीडियो बनाती हूँ इस चैनल पर ना मुझे दो साल हो गए हैं तो आप थोड़ा समझो ना और एक दूसरे को शेयर करो फ्रेंड्स तो एक दूसरे का साथ होगा एक दूसरे की दोस्ती होगी देखिए मैंने शादी से पहले कभी दोस्त नहीं बनाए क्योंकि हम कुरे होते हैं ना तो बड़ी लिमिट में चलना पड़ता है हमें तो बस अब मेरे दोस्ती दोस्त हैं मेरी सहेली बहुत हैं और जो मैं कहती हूँ ना वो मान भी जाती है तो भी, आ, समझोगे समझाओगे तो आपका साथ भी और सपोर्ट okay, तो पर जैली जमाने के लिए छोड़ दी है इधर फोटो ना लिया है, है। नहा उसके जो है कपड़े क्या कहते हैं उसे पूछ रही है वो तौलिए से और यहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा था तो हमने सारे कपड़े बेड पर सुखाने के लिए डाल दिए और वहीं पर ही अपना घूम रही है खेल रही है इधर जो है नींबू पानी बना लिया है मिस्त्रियों के लिए क्योंकि चाय बाद में देंगे पहले नींबू पानी बना के दे देंगे देखो जो हमारा फर्ज है उसे हम पूरा करेंगे जो उनका काम है वो करेंगे अब उन्हें देखना पड़ता है हमें आप भी अगर काम करा रहे हो ना वीडियो में ही बोल रही हूँ तो बिना देखे मिस्त्रियों पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि भरोसा करोगे ना तो ये उल्टा सीधा काम करके चले जाएंगे मुझे बार बार इन्हें बोलना पड़ा था इन्होंने पिलर के मसाले भी जो ना छोड़ दिए थे इधर हमारी पीछे वाली आ, मिलने के लिए आई थी सामने जो कपड़े वाले दुकान थी ना तो उन बोल रही थी कि जो है मुझे कपड़े लेने जाना तुम चलो तो मैं उनके साथ फिर कपड़े लेने चलेगी इधर हमने चाय बना ली फिर और चाय के साथ चिप्स बना ली और उनको मिस्त्री को भी दे दी तो फ्रेंड्स इसी तरह जो है ये मेरी रियल लाइफ है जो आप देख रहे हैं ये मेरी आदत है पहले से ही ये नहीं है कि मैं वीडियो में हूँ तो मुझे अलग से दिखाना पड़ रहा है और अलग से बता रही हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो फ्रेंड्स गर्मी में हमें मिक्सी की ज़रूरत भी ना पड़ी जो हम रही लेते हैं ना तो उसे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिना रही के ही दो तीन बार घुमाई मलाई अपना आप ही चलगी उसमें रखी रखी फ्रिज में ही घी निकल गया इसका इतनी गर्मी पड़ रही है सोचो फ्रिज का काम करेंगे क्या ए सी काम करेंगे और मैं पहले कह रही थी ना वीडियो में कि ए सी सब खरीद रहे हैं तो हम क्यों ना खरीदें मैं इसलिए कह रही थी फ्रेंड्स क्योंकि मतलब ऐसा लगता है ना कि कितने दिन हो गए हम ए सी हाल तो मैं चलाती ना मुझे ए सी का कोई शौक नहीं है यहाँ पर देखिए मक्खन देख के कितना अच्छा लगता है ना चटनी बनाओ लहसुन की और बढ़िया सी हरी मिर्च की चटनी बना कर लूनी घी डालो और बढ़िया सी गर्म गरम रोटी हो और उसके साथ खाओ ना मेरे पिताजी बहुत खाते हैं एक टाइम तो चटनी और लूनी घी और वो क्या कहते हैं दूध गरम गरम दूध एक कटोरा और चटनी लहसन की और शाम के समय घी अब तो उनके जो है खाना बीपी हाई रहता है तो डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हमेशा कभी उन्होंने मक्खन बंद नहीं करा खाना लेकिन अब जो है दूध बिना मलाई का कहते हैं ना जब एक अपनी पत्नी चली जाती है ना तो बीमारी भी बढ़ जाती है तो बस चिंता रहती है अपने पिताजी की हमें और बस यही उम्मीद करेंगे बहु बेटी तक कि उनकी सेवा करो क्योंकि हमारे पिताजी ने ना घर बनाया किराए के कमरे बनाए बच्चों के लिए और उन्हें इतना सुख दिया कि वे जिंदगी भर भी कभी नहीं भूलेंगे इतना सुख पिताजी ने दिया उन्होंने इतना कमाया मेरे पिताजी ने पूरी फैमिली के लिए पूरे परिवार के लिए किसी भी लाख की दो लाख की दो बेटियों की शादी करी एक चाचा की बेटी थी एक छोटे चाचा की बेटी उसकी शादी करी ने लगा लो कितने पैसे लगे और कुछ पैसे दूसरे वाली शादी में भी पिता ने रिश्ता करवाया था तो उसमें भी मतलब पिता ने हाफ पैसे दिए थे हाफ लगा लो कितने क्योंकि आधे आजकल ना शादी चालीस चालीस लाख की शादी होती है तो सोचो आप तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी लेकिन फिर भी मेरे पिता ने हर किसी की मदद करी है सिंदारे में हुई क्या कहें उस भात नोतने में हुई सब में पैसा मेरे पिताजी पे पास है ना तो नीयत भी मेरी बहुत है पिताजी की बहुत करने की और मेरी मम्मी कभी मेरी मम्मी ने यह नहीं कहा कि इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो क्यों किसी को दे रहे हो मेरे पिताजी की मर्जी थी हमेशा जैसा कमाते थे वैसा ही लगाते थे इतने बढ़िया काम चला और भी ना हमारे किराए के कमरे घर बहुत बढ़िया बनना हमारा कहते हैं ना नीयत गैल बरकत होती है तो मैंने तो मेरी मम्मी पिता को देखा तो हमेशा वही रूल फॉलो करती हूँ जो देख रहे हैं इधर हमारी देखिए बात करते करते जेली भी रेडी हो गई है और जेली देखिए कितनी बढ़िया जमी है है ना तो एक घंटे बाद हम आपको दिखा रहे हैं जेली और देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी जेली बनी है तो जेली जिसको किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना तो फ्रेंड्स यहाँ पर जेली भी रेडी है और मेरे पिताजी ने हम और बहन भैयान की भी शादी करी हमारे छूचक दिए और जिनके इलाज हुए जैसे हमारी भाभी के बच्चे हुए डबल ऑपरेशन थे तो उनका भी इलाज करवाया तो कितनी सारी मदद हमारी मम्मी पिताजी ने करी तो नियत गैल बरकत होती है और मुझे बहुत हैंड्स ऑफ है अपने माता पिता को कि ऐसे माता पिता सभी मिले यहाँ पर मीठा मुखर लीजिए जैली के साथ तो मैं अपने माता पिता को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस जन्म में हमें ऐसे माता पिता मिले तो बस वही मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ मेरे बच्चे भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और पूरी कोशिश करूँगी कि उन्हें अच्छा आदमी बना सकूँ बस यही कोशिश है और इंसान कोशिश ही कर सकता है जो मैंने माता पिता को देखे अब मेरी मम्मी की जैसे दो बहुए आई हैं कैसे उन्होंने अटेंड करो कैसे चीज़ें दिलाई किस तरह से उन्हें मतलब रखो तो वो चीज़ें मैंने भी सीखी हैं तो मुझे आग है एक इस आ, कहते हैं उसे तजुर्बा मिलगा मुझे कि मैं अपनी बहू बेटी ने कैसे रखा सकती हूँ तो बस इसी तरह फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी वीडियो अपनी जो क्या लाइफ के बारे में आपको बताती रहूंगी और देखिए जो सच है वो आपके सामने है मैं रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल आपके सामने हूं ये चैनल का नाम है मेरा तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मुझे आगे बढ़ाएं क्योंकि इस चैनल पे दो साल से मेहनत कर रही हूँ मैं तो मैं चाहती हूँ कि अब तो मैं आगे बढ़ जाऊँ क्योंकि मैं जो सिलाई कर रही हूँ वो तो कर ही रही हूँ लेकिन वीडियो में थोड़ा सा लंबी हो जाती है वीडियो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब सिलाई के बारे में नहीं दिखा पाती हूँ और अब गर्मी हो रही है तो मैंने सिलाई जो है बंद कर रखी है कुछ कपड़े रखे हैं तो मैं उन्हें सी मतलब कम सीती हूँ तो फ्रेंड्स मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ बाय बाय फ्रेंड्स गुड नाइट गुड लक बाय बाय